क्या आपको पता है कि पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पिता के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर पिता के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह माता होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि पिता का स्त्रीलिंग शब्द माता होता है, और यहां पर पिता एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर माता एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी संतान को जन्म देने वाला पुरुष जो होता है उसे पिता कहा जाता है, और वहीं पर जो स्त्री जन्म देती है यानी संतान को जन्म देती है वह स्त्री माता होती है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। यानी दोस्तों, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर पिता के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह माता होगा। यानी दोस्तों, पिता एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर माता एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको पिता का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।